सो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो अभी हम लोग जो है ना शिरडी में, एंड हम लोगों ने सोचा कि यार बिट्टी की छुट्टी अभी है सैटरडे संडे, तो हमने सोचा चलो शिरडी चलते हैं। और अभी क्या है ना, बेसिकली इस टाइम पे क्या है, बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं ना, तो लोग शिरडी आ नहीं रहे हैं, तो भीड़ भी कम है। तो हमने सोचा चलो मौके का फ़ायदा उठाते हैं और हम शिरडी आते हैं, बिकॉज मैं टाइम टू लेके तो आनी था। तो अभी जो है हम लोग दर्शन के लिए निकल रहे हैं और साथ में जो है हमारी मौसी भी आई हुई है। मम्मी और मौसी तो आगे चल रहे, वो बात करते करते आगे निकल गए। तो जी से दर्शन जाते हैं डैम के। सही राम, कैसे ठीक है ना? एकदम बढ़िया, आप किसको? तो चलो अभी अपन चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये देखो फ्रेंड्स, मम्मी और मौसी देखो जरा, वो लोग देखो आगे बात करते हुए चलते जा रहे हैं। अभी जो है ना क्राउड बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एकदम बहुत कम क्राउड है, नहीं तो यहाँ पे जो है यूजुअली भरा रहता है। और अभी क्या है ना, मोस्टली लोग जा रहे हैं अयोध्या, बिकॉज क्या है कि अभी अयोध्या का ट्रेंड है, तो लोग अभी वहीं पे जा रही है। मतलब अभी सारे धाम सब जगह ऑलमोस्ट बहुत खाली है, एंड इवन आज शिरडी भी खाली है, नहीं तो अक्सर सैटरडे संडे तो भरा ही रहता है। और फ्रेंड, जब से नया रास्ता बना है ना ये वाला, यहाँ से जो है ना एंट्री है, नई एंट्री है, एंड बड़ी ही प्यारी है। मतलब यहाँ से आपको इतने जल्दी दर्शन हो जाते हैं ना, एंड बिल्कुल भी, मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या है बहुत कंजेस्टेड हो जाता था ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखो इन्हें ये वाला रास्ता खोल दिया, जो सबसे पहले लाइन लगती थी ना वो वाला इन्हें खोल दिया है, एंड ये भी इन्हें नॉर्मल वे बना दिया, वहाँ से पूरी एंट्री कर दी है। एंड मेरा एकदम मन है ना कि मैं आप लोगों को वहाँ का ब्लॉग बना के दिखाऊँ, मतलब जो लोग नहीं जा चुके, जो लोग जा चुके उन लोगों को देखा ही हुआ है, बट मेरा इतना मन है कि मैं वो उस जगह को भी एक्सप्लोर करूँ। बट वहाँ पर जिसके फोन अलाउड नहीं है, अंदर दिखा नहीं पाता, लेकिन बहुत अच्छा बना दिया अंदर से। पूरा ये वाला रास्ता एंट्री का होता था, ठीक है, यहाँ से पूरी लाइनें लगती थी, फिर उसके बाद लोग अंदर जाते थे। लेकिन जब से ये बन गया है तब से बहुत अच्छा हो गया लोगों के लिए, और वहाँ पे सेटिंग अरेंजमेंट भी रखी है। और देखा जाए तो सिर्फ खाली मोदी जी की वजह से हो पाया, इवन ये जो है ना इसका इनॉग्रेशन करने के लिए मोदी जी आए थे, तो बड़ा ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और यहाँ पे जो है ना रेस्ट रूम्स भी हैं, मतलब जिन लोगों को रेस्ट रूम में रुकना है, मतलब आश्रम है, यहाँ पे आराम से रुको। फिर यहीं से जो है लॉकर भी है, एक यहाँ से भी लॉकर है। अभी जो है ना हम लोग हमारे मोबाइल जो है लॉकर में रखवा रहे हैं। तो चलो अभी हम दर्शन करके आते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। ओम साई राम। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। इट्स टाइम राइट नाउ 1:30, और अभी हमारे जो है दर्शन हो चुके हैं, और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता क्या, बेसिकली हम खाना खाने जा रहे हैं। हमारे दर्शन बहुत टाइम में बेसिकली हुआ, क्या 12:30 वाली आती थी वो शुरू हो गई थी, तो हमें फिर आधा घंटा रुकना पड़ा, जब तक वो ख़त्म नहीं होगी तो हम लोगों को बाहर ही वेटिंग में रुकना पड़ा। बाकी आरती भी हो गई, दर्शन भी हो गए अच्छे से, और अभी जो हम हमारे उडुपी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जा रहे हैं, खाना नहीं बेसिकली नाश्ता, ब्रंच करने जा रहे हैं। अभी हम लोग जैसे रूम आए थे, हमने थोड़ा रेस्ट किया, पूरा फ्रेश हुआ, और अभी हम लोग जो है जा रहे हैं साई तीर्थ। हम लोग शाम को लेंगे शनि चिन्हापुर, लेकिन अभी हमने सोचा कि हमारी मौसी आई हुई है तो उन्हें मस्त हम साई तीर्थ भी घुमाते हैं। सो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम शाम को जाएंगे शनि चिन्हापुर। अभी हम लोग जो है साई तीर्थ आ चुके हैं, और ये देखो ज़रा पीछे कितना मस्त लग रहा है यार ये चक्र। और यहाँ पे जो ना आप कुछ नए नए शोज भी होते हैं। अरे मौसी से मिलो, तूने मौसी को मिलवाया ही नहीं, आजा आजा जाओ, मौसी आपको वापस इंट्रोड्यूस करेंगे व्लॉग में। हाँ मिलवा बेटी, तू मिलवा, ये रही मेरी प्यारी प्रीति नैना मौसी था। और मौसी जो इंडोनेशिया से आई, आज हम उनको घुमाएंगे साई तीर्थ। हम लोग तो बहुत बार घूम चुके हैं, लेकिन मौसी को भी घुमाएंगे। और मौसी आप कितने साल बाद आ रहे हो वापस शिरडी, बताओ जरा। 16 साल बाद आपको क्या क्या चेंजेस लगे बताओ जरा। पूरा चेंज हो गया, बाकी आपको इसमें बहुत मजा आएगा। मम्मी आप भी थोड़ा बताते हैं, आप भी थोड़ा व्लॉग में बताओ। और काफी टाइम से ये बोल रही थी मुझे शिरडी आना है, क्योंकि मैंने ही उसको उचका दिया था, उचका दिया था कि शिरडी चल। स्पिरिचुअल बर्न आ थोड़ा यार, साईं बाबा को भी मान, वही वही थोड़े दर्शन वर्शन कर। तो अभी जब मस्त दर्शन कराएंगे साथ में, हमारा कजन धवल है, वो तो नहीं आया, लेकिन उसको यहाँ वीडियो में बोलते हैं बहुत मिस कर रहे हैं भाई, तू भी आता तुझे ही मजा आते। एंड अभी ये शो में बहुत मजा आएंगे, यहाँ पे 5D शो है, एक प्ले होता है, स्पॉइलर थोड़ी है। चलो चलो चलो, बाकी अंदर चलते हैं, बना दो।
ये देखो फ्रेंड्स, अब ये मूवी के बाद यहाँ पे जो ना डेली साई पालकी भी निकलती है, देखा जरा वहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम दिखाई थी ना साई बाबा की, वैसे पालकी निकलती है, देखो जरा। आपको ये वाला शो 5D वाला मस्त था ना, ऐसा नहीं लगा कि पीछे से लात मार रहा है। ये लोग जो है ना पहले द्वारका में करा रहे, वैसे अक्सर लास्ट में द्वारका में ही कराते हैं, लेकिन अभी करा दे रहे हैं, फिर उसके बाद हमारी होगी टेंपल राइड। सो यहाँ है द्वारका माई, जो कि मतलब पूरा एक तरीके क्या बोलता है रोबोट के साथ उनने मतलब किया हुआ है। ये देखो फ्रेंड्स, अभी जो है ना द्वारका माई एक्ट शुरू होने वाला है। उस दिवाली की रात उस लक्ष्मी की जिंदगी जैसे रोशन हुई थी, उसी तरह आप सब लोगों की जिंदगी भी हमेशा हमेशा होने वाला है, वो होने वाला है पूरे इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं, वो टेम्पल धाम वाली राइड होने वाली है, तो पूरे इंडिया के जितने भी पिलग्रिम्स हैं वहां पर उनको पूरा घुमाएंगे। चलो अभी अपन चलते हैं। हमारे पूर्वजों ने किया था, तो आइए पंडित जी ऐसे ही हैं। ये देखो फ्रेंड्स, अब हम लोग केदारनाथ आ गए, करने जाएंगे। वाह वाह वाह, धामों में से एक और धाम श्री केदारनाथ जी के। आज हम सारे धामों की यात्रा कर लेंगे। यस, फाइनली केदारनाथ आ गए। देखो बच्चों का शौक है ये रहा है। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है, इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा तक यानी लगभग 6 महीने खुले रहते हैं। इधर राय जी भी है। ये देखो, इधर है, ये देखो मंदिर में सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने, तो आइए हम भी श्री बालाजी के तीर्थ यात्रा का समापन करते हैं। हमें आशा है कि आपकी यात्रा सफल हुई और आपने फिर से आपकी सेवा करने का मौका जरूर दिया। नमस्कार, चलो फाइनली राइड करते हैं। और अभी जो हम लोगों ने सारी फोटोज वीडियो बना लिया हमारे प्ले बटन के साथ भी,
और अभी जो है हम लोग निकल रहे हैं शनि सिंगनापुर के लिए, बिकॉज हम लोग जो है हमने सोचा था कि शाम को आएंगे, जिसकी शनि सिंगनापुर जो है पूरा 24 घंटे खुला रहता है। सो अभी जो हम लोग शनि सिंगनापुर के लिए निकलने वाले हैं, सो चलो अभी अपन चलते हैं।